नमस्कार, एकेएस यूनिवर्सिटी सतना खबरों के साथ मैं हूं सत्यभूषण सिंह। आज रुख करते हैं विश्वविद्यालय के फूड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा यहां पर बनाए गए इंक्यूबेशन सेंटर का। देखते हैं यहां की गतिविधियां, कैसे छात्र यहां तैयार होते हैं और कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। हमने यहाँ के संबंधित विभागाध्यक्ष और डायरेक्टर से भी बातचीत की। प्रतिशत सोयाबीन यहीं पर पैदा किया जाता है, पर इसका उपयोग जो है सिर्फ तेल के स्वाद और किसी में भी नहीं किया जाता। हमने इस विश्वविद्यालय में सोयाबीन का उपयोग बताने के लिए एक मशीन सोया काउ के नाम से जानते हैं। इसमें हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि कैसे सोयाबीन से दूध बनाएं और फिर उसको फाड़ने के बाद उससे पनीर बनाएं। हमने यहाँ पर मशीनें खरीद रखी हैं। इसको हम जो आप देख रहे हैं ये हैमर मिल इसको कहते हैं। इसमें गेहूं को डाला जाता है और जिससे एक क्विंटल गेहूं से लगभग 82 से 85 किलो दलिया बनता है। ये जो बगल में आप देख रहे हैं इसमें हम उसकी दलिया की ग्रेडिंग कर देते हैं। इसमें हम इसको हम क्लीनर कम ग्रेडर कहते हैं। और इस मशीन में हम जब टूटे हुए दलिया को जो टूटे हुए गेहूं को जब हम इसमें डालते हैं तो हमें अलग अलग ग्रेड्स में दलिया मिलता है। सब्जेक्ट और उस कोर्स का सारा जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो इस सेंटर में बच्चों को दिया जाता है। उसकी जो स्ट्रीम्स हैं वो सीरियल प्रोसेसिंग, पल्स प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग, वेजिटेबल प्रोसेसिंग और मिल्क प्रोसेसिंग। बीटेक के स्टूडेंट्स को फूड टेक्नोलॉजी में जो आते हैं उनको 5 स्किल्स डेवलप करवाते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, राइस मिलिंग एवं पल्स स्पिनिंग। विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए साझा। नमस्कार।